आखिर ये कौन सा देश है जहाँ साइकिल चलाने पर आपको बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं? और भैया ये टैबलेट्स पे जो लाइन होती है इसका क्या मतलब होता है? मुकेश अंबानी के घर के अनजान चीजों को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और इस चार्जर पर डस्टबिन का निशान क्यों होता है, अगर ये जानना है तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं 30 डेज चैलेंज डे 28 नंबर 11। अब ये देखो भैया, ये है जर्मनी का होटल और इस होटल में एक ऐसी खास बात है जिसे देखने के बाद आप भी यही बोलोगे, क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो सुनो, दरअसल जर्मनी के होटलों में मेहमानों को गैलरी में दौड़ने से रोकने के लिए इस 3D कारपेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसपे आप अगर चलोगे तो आपको लगेगा कि आप गिरने वाले हो। नंबर 10, आप जब भी फ्रिज में पानी को जमाते हो, मेरा मतलब बनाते हो, तो भैया आपने शायद ये नोटिस नहीं किया होगा कि वो बर्फ व्हाइट कलर का होता है, और जो बर्फ हमें बाहर देखने को मिलता है वो ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? मतलब क्या वो लोग केमिकल्स का यूज करते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल अगर आप नल के पानी से बर्फ बनाते हो तो वो व्हाइट हो जाएगा, और अगर उबले हुए पानी से बनाओ वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। क्या बात है यार, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। नंबर 9, ये देखो भैया, ये है एक ऐसा देश जहाँ साइकिल से ऑफिस जाने पर कंपनी की तरफ से अलग से पैसे दिए जाते हैं। सुन रहा है विनोद, उस देश का जल्दी से पता लगा। ए, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सुनो, वहाँ 1 किलोमीटर साइकिल चलाने पर लगभग 16 रुपए मिलते हैं, और है ना ये कमाल की बात। और भैया उस देश का नाम है नीदरलैंड। नंबर 8, भैया हम जब भी ATMs में जाते हैं, भैया आप लोगों को भी यही लगता होगा कि जब हम ATM में डिपॉजिट करते हैं जो आवाज आती है वो पैसे गिनने की होती है, भैया आप पूरी तरीके से गलत हो। अरे यार, ये तो ये आवाज आती कहाँ से है? दरअसल वो आवाज एक स्पीकर से आती है जो कि ATM मशीन में फिट होती है, जाके अपने दोस्तों को जरूर बताना। नंबर 7, आपने कभी सोचा कि ज्यादातर एरोप्लेन्स में ब्लू कलर की ही सीटें क्यों होती हैं? मतलब क्या आसमान ब्लू है तो मतलब सीट भी ब्लू होगा क्या? पहले ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल ये सीट्स ब्लू इसलिए होती है क्योंकि नीला कलर टेंशन को शांत करता है और हमें डर से भी छुटकारा मिलता है, और साथ ही भैया उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जिसे एरोफोबिया भी है। कमेंट करके बताओ कि आपने कभी एरोप्लेन में ट्रेवल किया है। नंबर 6, भैया क्या आपने कभी सोचा चार्जर्स में ये कचरे का डब्बा क्यों छपा हुआ होता है? मतलब क्या चार्ज होने पर इसे डब्बे में डाल देना चाहिए क्या? पहले ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल इसका सिंपल सा मतलब है कि चार्जर को कचरे में ना फेंके, उल्टा इस चार्जर को आप रिसाइकल के लिए सर्विस सेंटर भेज सकते हैं। अरे यार, मैंने तो कितने सारे चार्जर्स को डब्बे में डाल दिया। नंबर 5, अगर भैया किसी को कोई गिफ्ट देना है तो इस देश से सीखो। तुम इस देश में क्या जादू की छड़ी देते हैं क्या? सुनो, अर्जेंटीना में एक आदमी ने 7,000 पेड़ों को कुछ इस तरह उगाया कि वो गिटार के शेप में दिखने लगा, और भैया उस गिटार जैसे दिखने वाले डिजाइन को उसने अपने पत्नी को गिफ्ट कर दिया। नंबर 4, आपने कभी सोचा कि ये टैबलेट्स पर लाइंस क्यों होती हैं? इसका साफ साफ मतलब है कि इसे बीच में से तोड़ना होता है। हाँ, शायद कुछ ऐसा ही। असल में टैबलेट पर इस लाइन को डिबॉस लाइन बोलते हैं, और ये लाइंस ज्यादातर हाई पावर टैबलेट पर पाई जाती है ताकि उन्हें आधा आधा तोड़ के खा सके, और भैया ये बात इसलिए डॉक्टर्स को ज्यादा अच्छे से पता होती है। नंबर 3, भैया आप लोगों ने कई सारे स्विमिंग पूल्स देखे होंगे, जैसे बिल्डिंग्स वाले, होटल्स वाले या फिर अपने घर का स्विमिंग पूल, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा स्विमिंग पूल दिखाने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आप दंग रह जाओगे। ये देखो भैया, ये है दुनिया का एक ऐसा स्विमिंग पूल जो कि 2 बिल्डिंग्स के बीच में है। अरे यार, ये स्विमिंग पूल कम ब्रिज की तरह ज्यादा दिख रहा है। तो सुनो, ये स्विमिंग पूल रोड से 115 फुट की ऊंचाई पर है, और भैया इस 82 फीट लंबे पूल की एक खास बात है, इस पूल में कोई सपोर्टिव बार सिस्टम नहीं है, और जब आप इसमें जाओगे आपको ऐसा लगेगा कि आप हवा में उड़ रहे हो। और भैया ये स्विमिंग पूल 9 इल्म में है जो कि 50 टन पानी का लोड संभाल सकता है। नंबर 2, हम सभी बचपन से साइकिल चलाते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने ऐसा साइकिल देखा है? अरे यार, इसके पैंडल्स कहाँ हैं और इसे चलाएंगे कैसे? हाँ भैया, इसमें पैंडल्स नहीं है, दरअसल इस साइकिल को चलाने के लिए पैंडल्स और नीचे का फ्रेम नहीं दिया गया है। इसे चलाने के लिए आपको कुछ इस तरह बेल्ट को लगाना पड़ता है, और आपको भैया पैदल चलकर इसे चलाना पड़ता है। यार, इससे अच्छा तो अपने इंडिया की साइकिल्स है। नंबर 1, मुकेश अंबानी का जो घर है उसे बनाने के पीछे काफी ज्यादा दिमाग लगाया गया है, उसके हर एक फ्लोर पे एक अलग चीजों को ही कम्प्लीटली अलग थीम दिया गया है, और ये अलग अलग हैंडमेड डेकोरेशन भी बना हुआ है, यानी कि हर एक फ्लोर पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले तो 6th फ्लोर पे बस पार्किंग है, फिर 8th फ्लोर पर हैंगिंग गार्डन है, पूरे घर के अंदर ही 3 हेलीपैड्स हैं, और इसके बाद यहाँ पर ये फ्लोर है जहाँ पर स्पेशली बहुत ही ज्यादा स्पेस है मंदिर के लिए दे दी गई है, क्योंकि हर जगह पर कोई मंदिर तो होता ही है। उसके बाद पूरे स्टाफ का एक रूम भी है जो करीब 600 लोगों का है, और यहाँ कम्प्लीटली 5-स्टार ट्रीटमेंट भी मिलता है, और भैया बड़े किचन और इक्विपमेंट रखने की जगह भी है। तो भैया, अगर इस गरीब की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक कर दो।